Exercise number 11.2. Choose the correct option from the following alternatives. आपको MCQs जैसे दिया गया है, correct? Question दिए हैं, आपको suitable इसमें जो answer होगा वो option में से select करके लिख देना है. चलिए. Which account? First is which account is debited in the books of drawer when a bill is drawn? Drawer की books में debit side पे कब कौन सी चीज आती है डेबिट साइड पे ड्रॉवर की बुक में? जब बिल इज ड्रॉन, जब बिल दे दिया जाता है कब आती है? बी बिल्स रिसीवेबल में कहां पर आता है? बिल्स रिसीवेबल में. बिल्स रिसीवेबल आती है डेबिट साइड पे. एंड व्हेन द एक्सेप्टर पेज द बिल अमाउंट Which account is credited in the books of drawer? Drawer की credit side पे कौन सी effect आती है? जब वो bill pay कर देता है तब कौन सी effect आती है? Bills payable कौन सी आती है? C is bank. Okay, कौन सी आएगी? Bank credit side की बात की जा रही है यहाँ पे. क्रेडिट साइड पर कौन सा आया? बैंक. क्यों? क्योंकि उसके पास से क्या गया है? पैसा गया है. किसके थ्रू? बैंक के थ्रू पैसा जाता है, इसलिए. बराबर. हमने इससे पहले वाले जो हमारे सारे फॉर्मूलास थे ये हमको जर्नल एंट्री दिखाई थी, सेम उसी के रिगार्डिंग आपको ये पूछा गया है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स लाइक फर्स्ट द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टर ऑफ अ बिल इज दैट ऑफ डैश. इज इट डेटर? इज इट क्रेडिटर और मेकर और नन ऑफ द अबव. बराबर. चलिए इसका आंसर क्या है? हियर वी हैव डेटर. द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टर ऑफ अ बिल इज दैट ऑफ डेटर. देन द ड्रॉवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज द कौन? वो ड्रॉवर कौन है हमारे लिए? If अगर मैं किसी से चीज परचेज कर रहा हूं तो वो सामने वाला पर्सन मेरे लिए कौन हुआ? मेरा क्रेडिटर. कौन हुआ? मेरा क्रेडिटर. नेक्स्ट डैश इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड. डैश इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड. किसके पास ये जो बिल एक्सचेंज की स्लिप है वो किसके पास जाती है? क्या बायर के पास? ड्रॉइंग पे ये सब एक ही है, लेकिन दिया किसको जाता है? The drawing, the person who write is the drawer, and the person who receives the bill of exchange is drawing. Clear? Now, illustration one. अभी तक हमने जितने भी सारे देखे इसके अंदर illustration देखे plus जो ऊपर है आपको दिखाया गया था, क्या था हमारी journal entry थी. ये journal entry आपको याद कर लेनी है क्योंकि उसी के basis पे हमारे सारे इलस्ट्रेशन आएंगे. बराबर. दोनों की याद रखनी है, सेलर की भी एंड बायर की भी आपको याद रहना चाहिए. बराबर. और यू कैन से एज अ ड्रॉवर और ड्रॉई की क्रेडिटर डेटर एक्सेप्टर पेमेंट. बराबर. आप कोई भी नाम से बोल सकते हो उन्हें, लेकिन उनकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए. क्यों जर्नल एंट्री आनी चाहिए? क्योंकि जब ड्रॉवर कोई चीज बेच रहा है तो वो अपनी बुक में अलग एंट्री करेगा, एंड द पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट्स वो अपनी बुक में अलग एंट्री करेगा. क्लियर. इसे दोनों तरीके से आपको आना चाहिए. चलिए जैसे यहां पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रवि सोल्ड गुड्स रुपीज 5000 टू मोहन ऑन क्रेडिट. यहां पर क्या है? रवि ने गुड्स सोल्ड किए किसको? मोहन को. यार किसको सोल्ड किए? मोहन को सोल्ड किए. कितने? 5000 के गुड्स जो है वो सोल्ड कर दिए. नाउ He drew a bill of exchange for the same amount upon Mohan payable after 2 months. Mohan कितने के बाद pay करने का बोल रहा है? After 2 months, Mohan accept the bill and return the same to the Ravi. Bill accept किया and then वापिस से किसको? Ravi को send कर दिया. That means यहाँ पर क्या हुआ? जो उनका billing की process थी, bill of exchange complete हुआ है पूरा. On the due date, the bill was presented to Mohan, who made the sale. On the due date, the bill किसके पास था? उनकी due date जब थी कब थी? जिस दिन उन्होंने purchase किया, उसके 2 महीने के बाद payment के लिए बोला गया था.
स्टिल बिल किसके पास है बीवी? मोहन के पास ही है। नाउ पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि एंड मोहन। यहां पर देखना आपको बुक्स जर्नल एंट्री किसकी प्रिपेयर करनी है, रवि एंड मोहन दोनों की। यहां पर आपको क्या है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी होगी। दैट मींस यहां पर रवि तो कौन है, रवि यहां पर है आपका सेलर, मोहन कौन है बायर है, ड्रॉवर और ड्रॉई आप बोल सकते हो, बराबर। तो दैट मींस आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री लिखनी होगी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किस तरह की सर्कमस्टेंसेस है चलिए देखिए। लाइक फर्स्ट, when the bill was retained by the Ravi till the date of its maturity, and second one, when Ravi discounted the bill from the bank on the same day at 6% per annum, and when Ravi endorsed the bill in favor of his creditor Mukesh, and when Ravi sent the bill a few days before its maturity of its bank for the कलेक्शन। ये सारे आपको क्या है, इन पॉइंट्स के बेसिस पे जर्नल एंट्री आपको देनी है। किसके रिगार्डिंग, रवि एंड मोहन की बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री के अंदर आपको एंट्री लिखनी है। तो इनकी एंट्री लिखनी है, अकाउंट कुछ इस तरह से बनेंगे इनके जर्नल के, बुक्स ऑफ रवि जर्नल अकाउंट बनेगा, एंड सेकेंड वन इज बुक्स ऑफ मोहन जर्नल के नाम से प्रिपेयर होगा कुछ इस तरीके से, बराबर। चलिए ये तो आपके क्वेश्चन है, इसी बेस पे हमने इससे पहले इन्हीं के देखा था कि इसके अंदर जर्नल एंट्री किस तरह से आती है, देखी थी है ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं वो चीज। यही थी सेम कुछ इस तरीके से, बुक्स ऑफ सेलर बुक्स ऑफ बायर आपको इसी तरीके से लिखनी होगी। सेलर साइड पर किस तरह से लिखेंगे, बायर के साइड पर आएगी, देन सेम कंडीशन पे आपको यहां पर दे दी गई है, दी है जैसे कंडीशन, बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर टिल इट्स मैच्योरिटी एंड प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई ऑन इट्स मैच्योरिटी। बायर की तरफ आप क्या लिखोगे, सेलर की तरफ, एंड बायर की तरफ किस तरीके से आएगा। और डिस्काउंट वाले में भी हमने देखा था बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड क्रेडिटर, जिसमें पैसा तो किसको मिल गया है, बायर को मिल गया है, सॉरी सेलर को पैसा मिल चुका है। तो यहां पर जिसने बाय किया था, दैट मींस ड्रॉई, ड्रॉई के अंदर तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री आप लिख सकते हो उसके अंदर, क्लियर। चलिए सेम यही वाले एंट्री अच्छे से याद कर लेना, तभी जाके ये सारी चीज आएगी। चलो आ जाते हमारे क्वेश्चन पे। फर्स्ट आंसर दिया है व्हेन द बिल वाज रिटेन बाय रवि till the date of its maturity, चलो उस टाइम पे मैच्योरिटी तक उनके पास में ही था, बराबर। तो ऐसे टाइम पे हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती रही, फॉर सेल्स ऑफ गुड, सेल तो किया ही था, किसने सेल किया, यहां पर सेल किसने किया है, रवि एंड उपायस मोहन, मोहन ने बाय किया, सेलर कौन है, रवि, फॉर दिस सेल ऑफ गुड। दोनों में हम लोग एक साथ एंट्री करते चलेंगे, बराबर, तभी क्या स्पीडीली वर्क हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। क्या आएगा, बायर्स अकाउंट, बायर कौन है हमारा, मोहन, बायर कौन है, मोहन। तो मोहन्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और यू कैन राइट एज ऑन दिस, इधर साइड लिखोगे आप मोहन के जर्नल एंट्री में परचेज टू, किसके पास से परचेज किया है, रवि के पास से, बराबर, कुछ इस तरीके से आएगी सेम कि जो एंट्रियां हैं पूरी की पूरी आप वैसे ही लिखेंगे। चलिए अगर मोहन्स अकाउंट फर्स्ट दिया है, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां पर आपको अकाउंट मेंशन नहीं किया है, अकाउंट लिख लेना, क्लियर। मोहन्स अकाउंट नॉट अ एसी, इट्स एन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000, 5000। नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट क्या है यहाँ पे, सेकेंड इफेक्ट से पहले रुक जाना, इतने देखी मोहन अकाउंट टू सेल्स, अब मोहन की जर्नल में क्या आएगा, परचेज किया उसने,
परचेज अकाउंट टू रवीज अकाउंट 5000 5000, क्लियर। नेक्स्ट फॉर एंट्री कौन सी आती है हमारी, नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी, फॉर ड्रॉइंग एंड रिसीविंग बिल, ये लिखते थे हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू दी बायर्स अकाउंट, दैट मींस मोहन, और ड्रॉइंग की तरफ से क्या आएगी, सेल्स अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्लियर। चलो आ जाओ, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, अगेन अमाउंट कितनी आएगी, 5000 नहीं आपकी अमाउंट आएगी, बराबर। किस बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि आपको फर्स्ट में यही बोला गया है, व्हेन द बिल वाज रिटेन बाय रवि टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी, बराबर। इसीलिए आपकी एंट्री क्या आ रही है, इस तरीके से ही आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू मोहन्स अकाउंट 5000, क्लियर। मोहन के अंदर इसकी इफेक्ट जाएगी, रवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 5000 अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट आपको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर हमारे, इसमें ये वाला यहां पे कंप्लीट होता है, ये जर्नल एंट्री उसी की है, बराबर। फर्स्ट वाला जो पोर्शन है हमारा कंप्लीट, जिसकी जर्नल एंट्री आ चुकी है अभी, ये रही है ना। चलिए नेक्स्ट, क्या बताया है, वो सेम एंट्री तो आपकी बार बार क्या होगी, रिपीट होती ही जाएगी, क्या होगी ये एंट्री, जो कौन सी थी, बेसिक है हमारी, बेसिक एंट्री क्या होती है, हर बार रिपीट ही होती जाती है, ये एंट्री कैसी बेसिक है, जो चार एंट्री आपको दिखाई गई है, ये बार बार क्या होगी, रिपीट ही होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रिटेन बाय द रवि टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी, इसके लिए हमारी एंट्री क्या बनती है, दे दी गई है, व्हेन द बिल इज रिटेन बाय द drawer till its maturity and presented to the drawee or we can say as an acceptor on its maturity, आपकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैसे रिसीवेबल हुआ, क्योंकि drawee की तरफ से पे हुआ, that means bills payable account debit to bank account। यहां पर हर बार जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांजेक्शन जो बैंक के थ्रू भी हो, बैंक के थ्रू भी हो, आप कभी कैश भी यहां पे हो सकता है ना, जरूरत नहीं हर बिजनेस में आओ, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे बैंक स्लैश कैश, बराबर। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको कुछ दिया नहीं है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे बैंक कैश स्लैश करके, कि आइदर वो बैंक के थ्रू हो सकता है या आइदर कैश के थ्रू दिया होगा। सेम यहां पे भी ऐसा लिख सकते हो कि आइदर वो कैश के थ्रू रिसीव किया होगा या तो बैंक के थ्रू, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि बैंक के थ्रू ही जा रहे हो है ना, और बोला गया कि हमने चेक दिया था सामने वाले पर्सन ने, हाँ तब आप क्या लिखेंगे 100% बैंक ही लिखेंगे, क्लियर। चल तो यही वाली एंट्री लिखनी है हमें, ड्रॉवर के अंदर ड्रॉवर की एंट्री, ड्रॉई के अंदर ड्रॉई की एंट्री, यहाँ पे अकाउंट लिख लेना, ये अकाउंट है यहाँ पे, बराबर। लास्ट में वैसे अकाउंट आएगा जर्नल में, चलो ये एंट्री लिख लो, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000 एंड 5000 रुपीस, क्लियर। सब के अंदर क्या आएगा, अपना नरेशन, दिस इज सोल्ड गुड्स टू मोहन, रिसीव्ड मोहन एक्सेप्टेंस पेपर आफ्टर 2 मंथ, बराबर। मोहन ने क्या रिसीव किया है, ये चीज, देन मोहन मेड हिज एक्सेप्टेंस ऑन इट्स मैच्योरिटी। यहां पर एक डाउट होगा सर, ये वाला किस तरीके से आता है, ये यहाँ पर कैसे है, ये इस तरीके से आया कि आपको जब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि यहाँ पे मोहन ने एक बिल किसको सेंड किया था, मोहन को, रवि ने किसको दिया था, मोहन को, मोहन ने वो चीज एक्सेप्ट करी और सेम डे पे किसको रिटर्न करी, रवि को रिटर्न कर दी थी यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पर एंट्री क्या आई कि बिल्स रिसीवेबल किसने रिसीव किया, रवि ने रिसीव किया, हु इज द गिवर, किसने दिया, मोहन ने दिया था, इसीलिए यहां पर इस तरीके से लिखा गया बुक्स ऑफ रवि टू जर्नल, बराबर। सेम यही चीज यहां पर इस तरीके से आई क्योंकि रवि सामने किसको दे रहे, रवि को, हम क्या दे रहे, बिल्स पेबल दे रहे, इसलिए रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 5000 5000,
नरेशन में लिखा भी है एक्सेप्टेड रवीज ड्राफ्ट, रवि ने जो मुझे ड्राफ्ट भेजा था वो मैंने एक्सेप्ट किया और विदिन कुछ ही टाइम में मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो ये रिटर्न जो किया है वापस उसकी जर्नल एंट्री बराबर ना। हमारे जैसे हमने कैश की एंट्री देखी, रिटेन की थी ये, मोहन मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, क्लियर। अब किसके अंदर आएगी, मोहन के अंदर भी जर्नल एंट्री आएगी यही वाली, बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश एंड बैंक, टू कैश एंड बैंक अकाउंट और एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रवि मीट ऑन मैच्योरिटी कितना है 5000 एंड 5000 दिया हुआ, क्लियर। सेम इसी तरीके से एंट्री आई है हमारी, बैंक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल टू रवीज अकाउंट, बराबर। चलो प्रॉपर एकदम वही फॉर्मेट में, बिल्स पेबल टू रवि एंड ऑल। नेक्स्ट व्हेन रवि डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक ऑन द सेम डे एट 6% पीए, क्या बता रहे कि रवि ने डिस्काउंट किया क्या बिल को बैंक के पास से वही दिन जिस दिन मोहन ने उसे रिटर्न किया बिल, तो कितना 6% इंटरेस्ट पे बराबर बैंक के पास से लिया जाएगा। आ जाओ हमारे एंट्री पे, एंट्री से पहले आ जाओ कि रिटर्न बिल जब डिस्काउंट किया जाता है तब उसकी एंट्री किस तरीके से आती है वो देख लेते हैं हम लोग यहां पे। ऑन डिस्काउंटिंग द बिल के बारे में सेम यही पढ़ा था हमने, कैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्लियर। किस तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉइंग के अंदर कोई भी एंट्री नहीं आती है ना, क्योंकि ये चीज तो ऑलरेडी डिस्काउंट किसको मिलेगा, ड्रॉवर को ही मिलेगा क्योंकि करेक्ट टाइम पे उन्होंने पेमेंट उसको मिल चुका है बराबर। चलो इसकी एंट्री आएगी, एंट्री आएगी इसकी, फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री बार बार सब केस में क्या होगी रिपीट ही होती रहेगी, कौन सी ये वाली हमारी जो बेसिक एंट्री आती है, जो हमारी बेसिक एंट्री है ना सभी के अंदर क्या होती है रिपीट आती ही रहेगी। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग तब आप ये बेसिक एंट्री या तो देंगे ही देंगे बराबर। यहां पर आपने सेम एज लिख दिया है, ये क्या आपकी बेसिक एंट्री है, तो ये तो नंबर ऑफ टाइम बार बार रिपीट होगी ही है ना, ये चारों चीज रिपीट होती ही रहेगी। देन आपको जो चीज पूछी गई है आप उसकी एंट्री देंगे, ये सारी कैसी है कंपल्सरी इनकी एंट्री तो आएगी ही बराबर। चलो तो इनकी एंट्री ले लिख ले पहले भी, व्हेन रवि डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा था क्या सेम डे पे 6% पे, वो भी कैसा है पर एनम है मींस पर एनुअल, एनुअली कितना है 6% का मिलेगा। चलिए बैंक कितना पैसा लेना था मुझे बताओ, कितना पैसा यहां पे था, कितना पैसा लेना था या देना था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना था 5000 रिसीव किए थे उन्होंने, कितने रिसीव किए 5000 जिसमें से बैंक ने भी कुछ डिडक्ट किया सामने वाले पर्सन ने क्योंकि मैच्योरिटी डेट से पहले ही आपको पेमेंट कर दिया है तो सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाएगा उसे, क्लियर। ये पहले ही बताया और मैंने आपको कि अगर मैच्योरिटी डेट से पहले आपकी मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप पैसा दे देते हो तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको मिलेगा, अगर आप मैच्योरिटी डेट के बाद अगर देते हो तो आपको उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, क्लियर। क्या लगेंगे चार्जेस लग सकते हैं, तब उस वक्त आपका डिस्काउंट ऑप्शन नहीं आएगा बराबर। चलो अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे, सेम एंट्री आएगी बी एंट्री देख रहे की फर्स्ट एंड सेकंड विल बी सेम कंटिन्यू वापस से वो लिखेंगे, देन आपको जो पूछा गया यही चीज के बारे में पूछा है तब ये एंट्री आएगी। फर्स्ट और सेकंड आप ऐसा एंट्री फर्स्ट एंड सेकंड विल बी सेम ऐसा नहीं लिखना है,
हमें वो सारी चीजें फिर से लिखेंगे और देन इस चीज पे आ जाओ। चलो कितना बोला गया था, 5000 रुपीज था। तब एक्चुअली एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये डिस्काउंट की जो अमाउंट है 50 रुपीज, ये कहां से आई? क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें कुछ भी ऐसा 50 रुपीज के रिगार्डिंग कुछ नहीं था ना, 4950 रुपीज पर में कुछ भी है, कुछ था क्या यहाँ पे? नहीं। तो ये अमाउंट कैसे आई? तो ये अमाउंट कुछ इस तरीके से आई। कितना था आपका? 5000 रुपीज थे आपके प्रिंसिपल अमाउंट थी। कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला था? 6%, इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड एक चीज देखना है यहाँ पे आपको, क्वेश्चन में कितने मंथ का दिया था, कितने मंथ? 2 मंथ। कितने मंथ था? 2 मंथ। तो 2 मंथ के हिसाब से निकालेंगे इंटरेस्ट इनटू 2 मंथ, दैट मींस 12 मंथ होते हैं यहाँ पे आपके। क्लियर ना? अब इसको सॉल्व करो, किस तरीके से आएगा ये सॉल्व किया जाए, कैसे आएगा? 6 2 2 2 1 1 2 1 2। कितना फाइनल आंसर कितना बच गया यहाँ पे? आंसर कितना आ गया? 50 रुपीज ओनली। क्लियर? किस तरीके से 50 आया पता चला आपको? ये क्या है आपकी जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। और यू कैन से एज अ नंबर ऑफ मंथ डे। अब यहां पर एक चीज बताऊं, इफ अगर आपको डेज में दिया होगा, अगर आपको ऐसा बोला होगा कि मैं आपको 70 डेज के अंदर पैसा रिटर्न कर दूंगा, 70 डेज का टाइम पीरियड दिया होता, तब आप यहां पे क्या करते हैं? तब इस जगह पर आप क्या करते हैं? 70 लिखते हैं एंड टोटल कितने डेज होते हैं? 365, डिपेंड करेगा आपका लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि ईयर देखना। क्लियर? ईयर देखना, अगर कोई लीप ईयर है तो 366 हो जाएगा, अदरवाइज 365 भी आता है, मोस्ट प्रोबेबली 365 भी आता है। क्लियर? तो इस बेस पे आप यहाँ पे निकाल लेते, कहाँ पे? इस पोर्शन की जगह पे क्या आ जाता? 70 / 365। अगर ये किस में होता? डेज में होता तो बराबर। बेसिकली वैसे ज्यादा डेज में आता ही नहीं, आपको किस में आएगा? मंथ में ही आता है ज्यादातर, किस में आता है? मंथ में ही आएगी ये चीज। क्लियर? चलिए एडवांस में आपको सिर्फ बता दिया जा रहा है कि कैसे आएगा, डेट सेट और कुछ नहीं। इक्वल टू करके देखिए कितना है, 50 रुपीज। 50 रुपीज क्या मिला आपको? डिस्काउंट। 50 रुपीज से क्या मिला है? डिस्काउंट आपको मिल गया है। और जब डिस्काउंट आपको मिला है तो एक्चुअल आपकी पहले प्रिंसिपल जो अमाउंट थी आपकी, अमाउंट कितनी थी? 5000 रुपीज, जिसमें डिस्काउंट है 50 रुपीज। तो एक्चुअल जो अमाउंट है ना, तो एक्चुअल जो अमाउंट है आपको कितनी मिली? वो किसके थ्रू है? बैंक के थ्रू है। बैंक के थ्रू अमाउंट कितनी मिलेगी? इसमें से लेस कर दो, 4950 रुपीज ओनली। इतनी ही अमाउंट आपको मिलेगी कहां से? बैंक की तरफ से। क्लियर? या आप बोल सकते सामने पर्सन ने आपको चेक भी कितना का दिया है? 4950 रुपीज का। 50 रुपीज का क्या है? डिस्काउंट मिला है। 50 रुपीज का क्या है? डिस्काउंट। क्लियर? चलो किस तरीके से 50 आया ये पता चल गया। बैंक अकाउंट डेबिट 4950, डिस्काउंट अकाउंट रुपीज 50, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000 बराबर। एंड मोहन के अंदर किसकी एंट्री आएगी? नहीं, मोहन के अंदर इसके रिगार्डिंग कोई भी एंट्री नहीं आएगी। देख लो हमारे रूल्स में क्या दी जाती है एंट्री ऑन द डिस्काउंटिंग द बिल, सिर्फ ड्रॉवर के अंदर एंट्री आती है, ड्रॉई के अंदर एंट्री नहीं आएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट व्हेन रवि एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर मुकेश, किसको एंडोर्स किया जा रहा है?
मुकेश के नाम पे दिया जा रहा है, कौन रवि क्या कर रहे हैं एंडोर्स कर रहे हैं अपना बिल किसके लिए, मुकेश के लिए जो उनका क्या है क्रेडिटर है ना, इसके लिए भी हमारा क्या था बताया गया था हमें या क्या दिया है, when the bill is endorsed by the receiver in the favor of his creditor means पैसा मुझे मिलना चाहिए, मैं क्या डायरेक्ट घुमा फिरा के किसी और पर्सन को दे रहा हूं क्योंकि मुझे उसको तो देना ही था, तो एक चेन बन गई कि नहीं मेरे जगह इसी को दे दो, है ना, तो वही है बुक ऑफ रिसीवर और ड्रॉवर और ड्रॉइंग के अंदर क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्या बता दिया है क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसके अंदर ड्रॉई से क्या लेना देना, ड्रॉई को उसमें कुछ है इंटरेस्ट नहीं, मे बी यहां पर क्या होगा जो मोहन नाम का पर्सन है और ये रवि है बराबर, मोहन ने किससे परचेज किया है, रवि से किया है, तो यहां पर उसने रवि को तो पेमेंट दे दिया बराबर, रवि को पेमेंट दे दिया, तो दैट मींस मोहन का जो वर्क था वो पूरा कंप्लीट हो गया, अब इस पैसे का जो भी उसने कैश या बैंक के थ्रू दिया है, अब उस चीज का रवि क्या करता है, ये तो सिर्फ रवि जाने, उससे मोहन को कोई लेना देना होगा नहीं, इसीलिए उसके अंदर एंट्री भी यानी कोई नहीं आएगी, यहां पर रवि क्या कर रहा है वही सेम अमाउंट जो रवि का क्रेडिटर है, रवि ने भी किसी के पास से परचेस किया होगा तभी तो वो सेल कर रहा है, तो रवि किसको अपना क्रेडिटर जो है कौन है यहाँ पे मुकेश नाम का पर्सन दिया हुआ हमें, इस मुकेश नाम के पर्सन को जो बिल्स रिसीव किया उसने वो किसको दे देगा अपने क्रेडिटर को, जिसकी एंट्री क्या आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट बराबर, चलो ये इसी बेस पर एंट्री कर लेंगे, एंट्री अगेन सेम आएगी फर्स्ट एंड सेकंड, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम आएगी, क्लियर, कौन सी ये रही मोहन टू सेल्स एंड बिल्स रिसीवेबल टू मोहन, ये वाले आपकी बेसिक है, ये एंट्री आप सेम देंगे ही हर बार, एंट्री इस पर से आएगी मुकेश अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज, क्योंकि उसको भी कितने थे 5000 ही देने थे, अगर कोई अमाउंट नहीं दी गई डेट मीन्स उतनी ही अमाउंट आप पास आउट कर रहे हैं, मुकेश अकाउंट डेबिट 5000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अगेन कितना है 5000 रुपीज, मोहन्स एक्सेप्टेंस इन अवर फेवर एंडोर्स इन फेवर ऑफ मुकेश, क्लियर, किसको फाइनली ट्रांसफर करना था मुकेश के लिए, चलिए किसने भेजी रवि ने, मोहन एक्सेप्टेंस इन अवर फेवर एंडोर्स इन द फेवर ऑफ मुकेश, क्लियर ना, मोहन के अंदर कोई एंट्री आएगी नहीं क्योंकि मोहन को इससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्लियर, नेक्स्ट when Ravi sent the bill in few days before its maturity of to its bank for the collection, इसके रिगार्डिंग एंट्री देखी हुई है हमने, क्लियर, सेम ऐसी आती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि हमारे ऐसे पर्सन को भेजते हैं हम लोग कि जाओ तुम कलेक्शन करके आओ अमाउंट को, कहां इसकी एंट्री देखिए यही पड़ोगी ऑन द मैच्योरिटी, Yeah. When the bill is sent for the collection before the days, when the bill is sent to the bank for collection a few days before the maturity, maturity is कुछ दिन पहले जाना पड़ता है ना payment के लिए, तो वही बताया गया है, क्या आएगा for sending bill sent for collection to bills receivable, अभी यहाँ पर तो पहुंचा है नहीं बंदा, जो person है वो गया है क्या, नहीं तो उसकी entry आएगी, जब यहां पर वो पहुंच जाएगा तब इनके अंदर एंट्री आ जाएगी, क्योंकि पेमेंट करेंगे बिल्स पेबल टू बैंक, पैसा इनको मिला तब इनके अंदर एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, समझो यहां पे क्या बताया जा रहा है, किसी एक पर्सन को भेजा मैंने यहां पे, अभी वो जा रहा है, इस पर्सन को पता है यहां पे क्यों आने वाला है, नहीं इसने यही पर एंट्री है, इसने तो भेजा इस वाले पर्सन को पता ही नहीं इसलिए यहां पर एंट्री नहीं है, जैसे ये पर्सन यहां पहुंच गया पेमेंट के रास्ते क्या बोला कि भाई पेमेंट दे दो मुझे, क्या चाहिए पेमेंट दे दो कलेक्शन के लाया,
यहाँ वाले पर्सन ने क्या बोला, ठीक है देखो पेमेंट में दे देता हूँ, बिल्स पेबल टू बैंक अकाउंट मींस कैसा, चेक दिया होगा बराबर, चेक दे दिया। अब यही वाला पर्सन क्या करेगा, इस चेक को लेके वापिस इनके पास आ जाएगा, चेक लेके आया, एंट्री क्या हो गई बैंक अकाउंट, भाई लेने कौन गया था, कलेक्शन के लिए गए थे, इसीलिए टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, भाई जिसको भेजा था वो वापिस से आ गया, डेट मींस गया पैसा लेके रिटर्न आ गया। क्लियर, एक एक रियल सिनेरियो के हिसाब से दिखाया कि इसी बेसिस पर चलता है ना, यहाँ पर इस पर्सन को पता नहीं था इसलिए एंट्री भी नहीं, जब पता चला तो बैंक अकाउंट एंड देन यहाँ पर ट्रांसफर, क्लियर फॉर कलेक्शन ऑफ द बिल ऑफ बाय बैंक बराबर। जब सेंड किया जाए तब इस तरीके से भेज रहे, और जब वो बंदा कलेक्ट करके भी आ रहा है पैसा है ना, ये सिर्फ क्या भेजा हुआ और सामने से वो कलेक्ट करके भी आ रहा है, तब आप दोनों इफेक्ट देंगे। क्या यहां पर आपको दोनों चीज पूछी हुई है, व्हेन द रवि सेंट द बिल इन अ फ्यू डेज बिफोर इट्स मैच्योरिटी फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ बैंक, क्या बोला गया है, एक ही चीज दोनों चीज, एक बोली गई है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यहां पर क्या है अभी सिर्फ उसको भेजा गया, क्या किया है सिर्फ भेजा, क्या पैसा लेके रिटर्न आ गया है, ऐसा सेंटेंस में कुछ बोला गया है क्या, When Ravi sent the bill few days before its maturity of its bank for collection, क्या ऐसा लिखा है कि collection amount लेके आ गया है, क्या इस तरह लिखा है for the collection of the bill by bank, collection की amount लेके आ गया है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, कुछ दिया इस तरह से नहीं, तो इसका entry भी कैसे आएगी, bill sent for collection to bills receivable account debit 5,000 and 5,000, clear? मोहन एक्सेप्टेंस इन अवर फेवर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बराबर। चलो नोट, व्हाट एवर मे हैपन टू द बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी द एक्सेप्टर इज नॉट अफेक्टेड, ही विल मीट द बिल ऑन मैच्योरिटी एंड पास द सेम एंट्री इन ऑल केसेस, आपको कौन सी एंट्री बताई जा रही है, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड इस तरह से दिखाया जा रही है, जो हमारी बेसिक एंट्री बताई गई थी मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड, ये एंट्री जब जब आपको न्यू क्वेश्चन आएगा आप ये एंट्री बेसिक ऐसे बार बार रिपीट करते ही जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में फॉर्मेट आपको दिखाना होगा, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन पहले उसका इंट्रोडक्शन तो आता ही है देन हम उसको डिस्क्राइब करते, वैसे ही ये बेसिक एंट्री है, ये रिपीट होगी देन आपको जो पूछा गया है वो बताओ, क्लियर, इस तरीके से लिखना है सिर्फ एंट्री की फर्स्ट एंड सेम, इस तरीके से नहीं लिखेंगे फर्स्ट एंड से, पूरी एंट्री लिखनी ही है, क्लियर। चलो